हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर, उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं, दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना, वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था, आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूँ, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना, हारे हुए थके हुए निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। देखिए, हम मोदी साहब को सदन में आके मणिपुर पे आप वहां के स्थिति पे बोलिए, हम इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पार्टी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। अरे भाई, मणिपुर पे बात करो, ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बात करना है, उसमें कौन किस किस की पात्र क्या है, उस वक्त के हिंदू महासभा का पात्र क्या था, उस वक्त गोलवलकर गुरु जी का कहना क्या था, सावरकर जी का कहना क्या था, और उस वक्त के ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी में घुसने वाले कौन लोग थे, और क्विट इंडिया मूवमेंट में जो गांधी जी कॉल दिए, उसको तोड़ने का काम किसने किया, क्विट इंडिया में तो उन्होंने भाग नहीं लिए, तो वो बोले कि नौकरी क्यों गुमा लेते हो आप, ऐसा एडवाइस यही बीजेपी के उनके पूर्वज बोले, और आज हमको बोल रहे ईस्ट इंडिया का याद उनको आ रहा अभी, क्योंकि चलो हमारा करता धरता चले गया, अब यहां कोई नहीं है। तो दूसरा और क्या है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, ठीक है नाम बदलने से कुछ नहीं होता, लेकिन नाम तो रखा जाता है। तो हमने इंडिया ये जो नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा, उनकी घबराहट क्यों, नाम में जब कुछ भी नहीं है तो घबराहट की बात क्यों हो रही है। तो उसका मतलब यही है, जब हमारी मीटिंग अपोजिशन की मीटिंग यशस्वी हो रही है, पटना हो, बेंगलोर हो, यहां पर हो, ये घबर गए, उनमें घबराहट पैदा हो गई है और डर गए, और डर से ये सब बातें कर रहे हैं, मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आ रही। अरे जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद किए, जो लोग ब्रिटिशर्स को मदद किए, जो लोग आजादी के वक्त हिस्सा नहीं लिए, क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिए, ऐसे विचारधारा के लोग और गांधी जी के हत्या करने वाले विचारधारा के लोगों के साथ जुड़े हुए पार्टी, और हमको ये कह रहे हैं कि इस ये लोगों का दिशाहीन है, इनको कुछ, अरे दिशा ही नहीं है, दिशा बताने वाले हम हैं, लेकिन मोदी जी की दिशाहीन हो गए हैं कि उनको क्या करना, किधर करना, कैसा करना, ये उनको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हमको क्या हमेशा वो इस भाषा में बोल रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि जो बयान वो बाहर देते हैं लोगों को भटकाने का, है अंदर आके आप अपनी बात रखो, मणिपुर पे ठीक से चर्चा होने दो। हम 267 इसलिए लाए हैं राज्यसभा में, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, और हम यहां पर सिर्फ 267 के तहत ही चर्चा बड़ी विस्तार से कर सकते हैं, और इस पे वोटिंग भी हो सकता है रेजोल्यूशन अगर हुआ तो। इसीलिए हम चाहते हैं कि विस्तार से चर्चा करने के लिए मणिपुर के
इंसिडेंट पे, ये मामूली इंसिडेंट नहीं है। इसका राजस्थान से कंपेयर करो, छत्तीसगढ़ से करो, वेस्ट बंगाल से करो, यूपी से करो, फलाने स्टेट से करो, ये इश्यू अलग है। ये वो इंसिडेंट्स है, उसके ऊपर क्विक कार्रवाई राज्य सरकारें कर सकती है, लेकिन यहां तो मणिपुर स्टेट जल रहा है और उसके बाद में अब उसके बाजू के जो स्टेट्स हैं, मेघालय, मिजोरम, इसको भी अब वहां भी आग लग रही है। तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट का मामला है और इसका जो पूरा इंटेलिजेंस है और पूरी इंफॉर्मेशन है, आईबी है, ये सबका इंफॉर्मेशन उनके पास रहता है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, ये पूरे रहते। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहां आकर वो कहे और खुद को ये साबित करे कि वो मणिपुर के इंसिडेंट पे कंसर्न है और जो भी गलतियां किसी ने भी करने दो, हम एक्शन लेंगे। ये कहने का छोड़ के 80 डेज से चल रहा है, आज 81 डेज से चल रहा है, आपके मुंह से एक शब्द भी कंडम करने का नहीं निकला, और 81 से चल रहा है सदन, अब 4 दिन से चल रहा है, आकर बयान नहीं दे रहे हो। तो ये सब चीजें क्या है, दर्शाते हैं कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं और उनको महिलाओं के इज्जत की परवाह नहीं है, वो प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं उनको, वो जो वहां के लोगों को जो भय है क्योंकि घर जल रहे, रेप हो रहे, वुमेन को पीटा जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है और कई एमएलए को मारे, वो खुद ही टीवी पे आप देखेंगे, सब ऐसी घटनाएं जब घटती है छुट्टी है, इसको किसी एक इंसिडेंट से जोड़ सकते हैं आप, दूसरे स्टेट में चल रहा है। तो ये इंसिडेंट अलग अलग इंसिडेंट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट ये एक नेशनल इम्पोर्टेंस का है और बाहर के देश वाले भी इस पर कमेंट कर रहे हैं, तो ये देश का मामला है। हम चाहते हैं कि वो खुद आकर स्टेटमेंट करे, बहस हो, डिस्कशन होने के बाद फिर वो उत्तर दे सकते हैं। पहला अपने 100 मोटो स्टेटमेंट देने के बाद हम जो भी बात करेंगे हाउस में उसका उत्तर फिर वो दे सकते हैं, उनको आजादी है। तो इतना कहता हूं मैं, वो खुद आए और स्टेटमेंट दे और लोगों को बताए कि सारे देश को मैं सबकी इज्जत प्रोटेक्ट करता हूं, महिलाओं की इज्जत प्रोटेक्ट करता हूं।